फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंपास विद लेंस। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे चैनल कंपास विद लेंस पर। बच्चों, हमने सिक्स क्लास का पूरा सिलेबस कवर कर लिया है और आई होप आप सबको बहुत पसंद आया होगा। बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिसिएशन मिली थी, कमेंट बॉक्स में बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स डाले थे और उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता था जब बच्चे अपने मार्क्स को शेयर करते थे। कुछ बच्चे मेरी वीडियोस की बहुत तारीफ़ करते थे, कुछ बच्चे मेरी राइटिंग की बहुत तारीफ़ करते थे, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते थे, तो मुझे बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा लगता था। और सबसे बड़ी बात, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई हो जाता था, इसीलिए मेरा और ज़्यादा मन करता था कि मैं और कॉन्फिडेंस से और अच्छा अच्छा आप सबके लिए नॉलेज दे पाऊँ किसी भी चीज़ में। तो वो हम सक्सेस हुए सिक्स्थ क्लास के लिए। अब आज से हम सेवेंथ क्लास के क्वेश्चन आंसर्स का ही सेशन ले रहे हैं, क्योंकि चैप्टर का मैं सेशन इसलिए नहीं ले रही हूँ बच्चों, क्योंकि अभी एंड सेशन चल रहा है सभी क्लासेस का और बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है क्वेश्चन आंसर्स की, और बहुत ज़्यादा डिमांड भी आ रही है सेवेंथ क्लास की क्वेश्चन आंसर्स की, एट्थ क्लास के क्वेश्चन आंसर्स की। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर्स को ही लेंगे और जिससे कि वो सबके लिए हेल्पफुल हो पाए, और उसी में मैं काफ़ी चीज़ें समझा दूँगी। जैसे कि मोस्टली हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द लेसन वाला पार्ट मैं समझा दूँगी इसमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी मैं लेसन 17 से स्टार्ट करूँगी, जो कि इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स, ये चैप्टर का नाम है जो कि क्लास सेवेंथ का है और चैप्टर नंबर 17 है। इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिफाइन से। एमीटर फर्स्ट आ रहा है, एमीटर। अब ये क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट। वो इंस्ट्रूमेंट उस जो कि मेजर करता है कि किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसे मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को एमीटर बोलते हैं। सेकेंड आ रहा है बच्चों फ्यूज़। फ्यूज़ तो अक्सर हमने घर में नाम सुना होगा, तो फ्यूज़ के बारे में पता भी होना ज़रूरी है, मैंने सिक्स्थ स्टैंडर्ड में भी समझाया था। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, कुछ चीज़ें बच्चों को नहीं समझ आएंगी जिनका जिन्होंने सिक्स्थ क्लास बहुत अच्छे से नहीं कर पाए हैं, तो वो मेरी सिक्स्थ क्लास की वीडियोज़ से पूरी पूरी तरीके से नॉलेज ले सकते हैं। उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको वन शॉट में ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जिससे आप सेवेंथ क्लास को इजीली कर पाएंगे। तो सेकंड हमारा है फ्यूज़, अ सेफ्टी डिवाइस दैट कट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। वो सेफ्टी डिवाइस लगाया जाता है बच्चों, ये एक अलग तरीके का सेफ्टी डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को कट करने का काम करता है सर्किट में। If a sudden heavy current starts flowing in it, लेकिन ये भी कब होता है? जब अचानक से heavy current flow होना start हो जाता है circuit में। तो जैसे ही heavy current start होता है, वैसे ही वो electric current को cut off कर देता है, जिससे कि नुकसान ना हो पाए या आग ना लग पाए या चीज़ें खराब ना हो पाए। इन सब को रोकने के लिए फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है। थर्ड आ रहा है सोलेनोइड, अ सिलेंड्रिकल कॉइल। ये एक सिलेंड्रिकल कॉइल होता है, कॉइल अगेन कुछ इस टाइप का होता है बच्चों। तो सिलेंड्रिकल कॉइल होता है ऑफ करंट कैरिंग वायर, जिसमें कि वायर में वो वाला वायर होता है जिसमें कि करंट बना हुआ रहता है, यह कैरी करता है, करंट फ्लो होता है। यह आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि सिलेंड्रिकल कॉइल कैसा होता है। नेक्स्ट आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड करंट। ये भी एक कॉइल होता है जो कि इंसुलेटेड करंट का कैरी हो करते हैं, यानी इसके अंदर भी करंट रहता है। वायर जो कि वाउंड होता है अराउंड अ पीस ऑफ अ मैग्नेटिक सब्सटेंस, जो कि किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर लपेटा जाता है। इसका आपकी बुक में पिक्चर दे रखी है शायद, मैं एक बार देखती हूँ तो उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर पेज नंबर
207 है बच्चों, और 207 में यही आ रहा है, ये मैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया, यानी कील, नेल जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, और इसी के ऊपर ये कॉइल्ड वायर को पूरी तरीके से लपेटा हुआ है। ठीक है, तो अगेन हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं इस पार्ट को। अ कॉइल इंसुलेटेड करंट, कॉइल इंसुलेटेड करंट कैरिंग वायर वाउंड अराउंड अ पीस ऑफ अ मैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक सब्सटेंस अगेन क्या होता है, जिसको जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है तो उसी को मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। तो लोहे की कील मैग्नेटिक सब्सटेंस ही होती है, और कुछ टर्म्स जो मैं समझाती जा रही हूँ आप अपनी बुक में पिक्चर के थ्रू भी उसको साथ में रखिएगा, जिससे कि आप पिक्चर के थ्रू भी उसको समझें, और यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू समझाती रहूँगी। हमारा डिफाइन का सेशन ख़त्म हो गया बच्चों, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट आ रहा है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। आंसर, द अरेंजमेंट वेयर एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, वो अरेंजमेंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है, फ्लो हो रहा है या चल रहा है। इन अ कंडक्टर व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कंडक्टर यानी जिसमें करंट आ रहा है और जो कि इलेक्ट्रिक करंट से कनेक्ट है पूरे सोर्स से, इज नोन एज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, उसी को इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। जिसमें कि हम प्लग्स लगाती हैं, अपना मोबाइल चार्जिंग का है, प्रेस का है, या गीजर का हो गया, इलेक्ट्रिक आइटम, मिक्सी वगैरह कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स। तो वो जिसमें कि करंट हम प्लग लगाती हैं, वो सॉकेट हो गया, तो उसी के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, उसको ही इलेक्ट्रिक सर्किट बोला गया है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड डायरेक्शंस ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। रिलेशनशिप पूछा गया है बच्चों इसमें पोटेंशियल डिफरेंस का और डायरेक्शन ऑफ फ्लो का करंट में, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या रिलेशनशिप बनता है इन दोनों का। तो आंसर इज, इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही फ्लो होता है। दिस क्रिएट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यही जो फ्लो होता है यही इलेक्ट्रिक करंट को क्रिएट करता है, यानी बनाता है, जो भी करंट हमारे किसी भी अप्लायंस में, किसी भी वायर में आ रहा है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू, तो उसी को, उसी का इन दोनों के बीच में रिलेशन बताया गया है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, डज एवरी कंडक्टर हीट्स अप, क्या कोई भी कंडक्टर, कोई भी मतलब हर कोई कंडक्टर गर्म होता है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। व्हाट डज द अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड्स ऑन, अब हीट का कितना अमाउंट किस पर डिपेंड कर रहा है या क्या डिपेंड कर रहा है। नेम द कंडक्टर नॉर्मली यूज्ड इन हीटिंग अप्लायंसेस, और उन कंडक्टर का नाम भी बताना है जो ज़्यादातर नॉर्मली हीटिंग अप्लायंसेस में यूज़ किया जाता है। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक ही क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिए हैं, तो इसका हम देखते हैं क्या आंसर है। एवरी कंडक्टर डज नॉट हीट अप, सारे कंडक्टर्स हीट नहीं होते हैं, गर्म नहीं होते हैं, एंड इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू, जब उनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। हम जैसे आपने देखा होगा कि जब भी आप मोबाइल चार्ज करते हैं तो मोबाइल की बैटरी की वजह से वो गर्म होने लगता है कुछ टाइम बाद, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत, आप कितना भी टाइम तक चार्ज करें, जैसे कि आपका जिससे आप मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं अडेप्टर या वायर, वो गर्म नहीं होता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपका एनर्जी नहीं ले रहा, लेकिन उसमें से एनर्जी जो पास होकर मोबाइल तक आ रही है तो वो हीट कर रही है, उसे गर्म कर रही है। ऐसे ही मिक्सी चलाती हैं, मिक्सी चलती है या वॉशिंग मशीन चलती है या कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस चलता है, जितनी ज़्यादा, मेनली हमें ध्यान रखना है जितनी ज़्यादा
एनर्जी किसी भी चीज़ को मिलेगी उतनी ज़्यादा वो तेज़ी से गर्म होगी। तो यही चीज़ है, हर चीज़ में ज़रूरी नहीं है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा मिले, बहुत हल्के से में भी काम हो जाता है। उसका एग्जाम्पल मेरे को अभी ध्यान नहीं आ पा रहा है कि मैं आपको क्या एग्जाम्पल दूँ, लेकिन मोस्टली जिसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है वो बहुत तेज़ी से गर्म होते हैं। आप हाथ लगा के देखेंगे, मिक्सी है, मिक्सी चलाते हैं, तो आपकी मदर किचन में काम करती हैं तो कभी भी मिक्सी यूज़ होती है, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो मिक्सी हीट होना शुरू हो जाती है, गर्म होना शुरू हो जाती है। लेकिन वॉशिंग मशीन होती है, मोस्टली आप कितनी भी देर तक चलाएंगे वॉशिंग मशीन ऊपर से कभी भी गर्म नहीं लगेगी, बिल्कुल भी गर्म नहीं लगेगी, ठीक है, लेकिन वो अलग से अंदर की साइड से गर्म होगी। तो यही आ रहा है, एवरी कंडक्टर डज नॉट हीट अप एंड इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट, द अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर। अब यहाँ पर जो मतलब आ रहा है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर से, मतलब एनर्जी ही होती है बच्चों, कि जितना कंडक्टर कोई भी एनर्जी दे रहा है हीट की अमाउंट उसी पर डिपेंड करती है, एंड ऑल्सो द लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, और कंडक्टर की लेंथ और थिकनेस पर भी डिपेंड करती है। अब नाइक्रोम और टंगस्टन, ये टी है बच्चों, थोड़ा सा राइटिंग में मैं जल्दबाजी में कर रही थी तो इसलिए ऐसा हो गया, TUNGSTEN, ये टंगस्टन की स्पेलिंग है। अगर किसी भी बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है स्पेलिंग समझने में तो मैं अगेन रिपीट कर देती, TUNGSTEN, टंगस्टन। टंगस्टन बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसमें यूज़ किया जाता है, इसीलिए उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है जिसकी वजह से वो बहुत तेज़ी से गर्म होता है। आर कंडक्टर नॉर्मल यूज्ड इन हीटिंग अप्लायंसेस। आई होप ये आपको यहाँ तक तो पूरा तरह से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, डोमेस्टिक सर्किट डेवलप्स अ शॉर्ट सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट डेवलप होता है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फ्यूज वायर कनेक्टेड। अब जब फ्यूज वायर कनेक्ट हो जाएगा तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, व्हेन अ फ्यूज वायर मीट। अब जो शॉर्ट सर्किट होता है वो क्यों होता है, फ्यूज वायर मीट हो जाते हैं, यानी जो लाइव वायर होते हैं वो मोस्टली रेड कलर के होते हैं, अगर वो दोनों आपस में मिल जाए बाय चांस किसी भी रीज़न से वो मिल जाए तो एकदम से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वहाँ से तार पिघल जाती है। तो वही होता है जिसकी वजह से जितने भी डोमेस्टिक अप्लायंसेस हैं उन्हें ख़राब होने से बचाने के लिए ये शॉर्ट सर्किट फ्यूज़ में हो जाता है। वॉट इज़ अ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या होता है, अ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इज़ अ स्विच, ये वो स्विच होता है दैट ऑटोमेटिकली स्टॉप्स द करंट, जो कि ऑटोमेटिकली अपने आप ही रुक जाता है करंट इन अ सर्किट इफ़ द करंट इज इन इट एक्सीड्स द स्पेसिफाइड मैक्सिमम लिमिट। जब किसी भी मैक्सिमम लिमिट यानी कोई एक लिमिट पर ही करंट को होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा अगर वो फ्लो हो रहा है अचानक से तो वो ऑटोमेटिकली स्विच अपने आप बंद हो जाएगा, जिससे की वजह से करंट भी आगे पास होना बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ द सिंबल यूज्ड इन अ सर्किट। अब सर्किट में वो सिंबल्स को हमें ड्रॉ करने के लिए बोला है, इसमें फॉर अ बैटरी ऑफ फोर सेल्स, फोर सेल्स की बैटरी जो होती है उसमें एक उसका बनाना है, एक स्विच का बनाना है और एक लैंप का बनाना है। तो बच्चों यहाँ इसमें आप नोट कर लीजिएगा, इस डायग्राम पेज नंबर 203 पर है, 203 पर 17.5 ये वाला डायग्राम होगा बच्चों। इसमें आपको सेल की दे रखी है बैटरी और स्विचेस की है जिसमें कि ऑन और ऑफ दोनों का है, ऑन जिसमें ये पाथ बन जाता है जिससे कि करंट पूरा फ्लो होता है,
और जब ये ब्रेक हो जाता है यानी स्विच हम ऑफ करते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पर करंट आके रुक जाता है, वो आगे पास नहीं होता। तो स्विच की भी है और साथ में लैंप की भी है। तो ये आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है, जो कि अगेन आई एम रिपीटिंग पेज नंबर 203 डायग्राफ 17.5 पर है। यहाँ पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस फिनिश हो चुके हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पर अब हम आते हैं। आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आ रहा है, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम। इसमें भी ड्रॉ करने के लिए बोला है, सर्किट डायग्राम ऑफ अ ड्राई सेल कनेक्टेड टू अ बल्ब। एक ड्राई सेल का डायग्राम बनाना है जो कि बल्ब से कनेक्ट है स्विच के थ्रू। मार्क द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को भी मार्क करना है सेल के, एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द डायग्राम। और जो करंट फ्लो होने का जो डायरेक्शन है उसे भी शो करना है डायग्राम में। बच्चों इस वाला जो ये पूरा क्वेश्चन है, इसका मैंने अपनी 6th क्लास में बहुत डिटेल में कराया है, और इसमें मैंने ड्राई सेल के बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स कौन से होते हैं, किस तरह वर्क करते हैं, सेल को भी पूरा डेमो करके दिखाया है और पूरी तरह से डायग्राम भी समझाया है। अगर आपने उस वीडियो पर आप देखना चाहते हैं, आपको 6th क्लास में आपको अच्छे से समझ नहीं आया है तो 7th क्लास में आपको प्रॉब्लम आएगी, तो उससे पहले आप 6th क्लास की मेरी उसी चैप्टर का, इलेक्ट्रिक चैप्टर में ही दे रखा है मैंने, उस चैप्टर में आप जाकर इसे देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, और फिर आप इस क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि हम ए बी सी से ही सीखते हैं। 6th क्लास में हमें क्लियर नहीं हुआ तो 7th क्लास में और डिफ़िकल्ट होगा, और 7th के बाद 8th में बिल्कुल ही नहीं आएगा समझ। तो इसको आप 6th क्लास में ज़रूर देखिएगा मेरी वीडियो में। और फिलहाल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, जैसे यहाँ पर जो कि डायग्राम 17.6 है और पेज नंबर 203 पर है, जो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाला डायग्राम है बच्चों 17.6 पर, ये वाला है। ये स्विचेस हो गए, ये लैंप हो गया यानी ये बल्ब हो गया जिसे उन्होंने बोला है, तो ये पूरा सर्किट का दिखा दिया गया है। और इसी के साथ में ये पिक्चर वाला है, मैं आपको फिर बोल रही हूँ कि मैं 6th क्लास में मैंने यही चीज़ बहुत क्लियर करके समझाई है, उसे आप ज़रूर देखेंगे तो आपको पूरे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो हमने देख लिया है कि हमें आंसर कैसे देना है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ कैन यू इंक्रीज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉलिनॉइड। हम किसी भी मैग्नेटिक किसी भी सॉलिनॉइड के मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सॉलिनॉइड अगेन हमने डिफाइन में पढ़ा था कि एक सिलेंड्रिकल कॉइल होती है, इसकी हमने पिक्चर भी देख ली है किस तरीके की होती है, जिसमें कि करंट होता है, तो वो वायर होती है। और इसी में इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी हमने देखा था कि ये मैग्नेटिक सब्सटेंस पर लपेट दिया जाता है, तो यही है। द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉलिनॉइड कैन बी इंक्रीज्ड बाय, फर्स्ट कैसे, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड के जितने ज़्यादा हम टर्न्स देंगे, जितना ज़्यादा उसे मोड़ेंगे घुमाएंगे, उतना ज़्यादा उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। सेकेंड, इंक्रीजिंग द करंट इन द सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड के अंदर करंट अगर ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। एंड थर्ड, वाइंडिंग द सॉलिनॉइड अराउंड अ मैग्नेटिक मटेरियल। और कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल, अगेन मैग्नेटिक मटेरियल होता है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है, तो उसके ऊपर उसको लपेट दे, अगर लपेट दिया जाए, रैप कर दिया जाए, तो उससे भी उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट।
इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? गिव थ्री यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, और तीन यूजेस पूछे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के। आंसर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर वाउंड अराउंड अ पीस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेट वही जो चीज़ कॉइल होती है, मोड़ रखा है और उसको हमने मैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर लपेट रखा है। सच एज सॉफ्ट आयरन विच एक्ट एज मैग्नेट, जैसे कि सॉफ्ट आयरन जो कि मैग्नेट का ही तरह से काम करता है, ओनली एज लॉन्ग एज द करंट इज फ्लोइंग इन द वायर, लेकिन जब तक जितना लंबा जितना ज़्यादा करंट उसके अंदर उस वायर में फैल रहा है या फ्लो हो रहा है। अब यूज़ कहाँ है? यूज्ड इन अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जो घर में मोस्टली यूज़ होती हैं, तो उनमें यूज़ किया जाता है, जैसे कि सच एज इलेक्ट्रिकल बेल, जो कि हमारे घरों में या कहीं पर भी बेल किसी भी तरीके की यूज़ होती है बेल में, या फिर इलेक्ट्रिक बजर्स भी मोस्टली आपने देखा होगा ना, बजर्स तो हमने वहाँ पर देखे हैं जैसे टीवी में कॉम्पिटिशन्स वाले प्रोग्राम आते हैं, तो कौन सबसे पहले बजर प्रेस करेगा, तो उसमें भी इसी कॉइल का यूज़ किया जाता है। सेकंड कहाँ पर यूज़ होता है? यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स में यूज़ होता है, विच फाइंड वाइड एप्लीकेशंस इन फैंस, वॉशिंग मशीन्स, एयर कंडीशंस और इसके अलावा और भी, यानी इलेक्ट्रिक मोटर्स जो कि वॉशिंग मशीन, फैन, इन सब में मोटर लगी हुई होती है बच्चों, एयर कंडीशनर इन सब में मोटर लगी हुई होती है, उसे बोला गया है, इन सब में भी यूज़ किया जाता है। थर्ड यूज्ड इन फैक्ट्रीज एंड क्रेन्स, फैक्ट्रीज में क्रेन्स में जिसमें कि बहुत भारी सामान को, आयरन पीस को, बहुत भारी सामान या आयरन पीस को एक जगह से दूसरे जगह लिफ्ट करने का काम किया जाता है, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द सिंपल इलेक्ट्रिक बेल। जो इलेक्ट्रिक बेल होती है वो कैसे काम करती है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इसका डायग्राम भी बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, इसके डायग्राम की भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है बेटे, तो इसे बहुत अच्छे से समझिएगा, साथ में इसका डायग्राम भी ज़रूर शो कीजिए। जैसे यहाँ पर आपके क्वेश्चन में डायग्राम नहीं पूछा है, लेकिन अगर हमने, मैंने भी यहाँ नहीं दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप पूरा सिंपल इलेक्ट्रिक बेल को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो साथ में उसका डायग्राम भी ज़रूर शो करें, तो उसके मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। आंसर, एन इलेक्ट्रिक बेल कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट से बना होता है, एक आर्मेचर से बना है और एक कॉन्टेक्ट एडजस्टिंग स्क्रू, गोंग और हैमर, इन सब चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है कोई भी इलेक्ट्रिक बेल। द आर्मेचर कंसिस्ट ऑफ अ सॉफ्ट आयरन रॉड, ये आर्मेचर जो होता है वो सॉफ्ट आयरन रॉड से, जो कि स्प्रिंग्स इसके ऊपर लगा हुआ होता है, उससे बना हुआ होता है। वन एंड ऑफ द आयरन रॉड प्रेस अगेंस्ट द टॉप ऑफ द कॉन्टेक्ट एडजस्टिंग स्क्रू। वन एंड ऑफ द आयरन रॉड, आयरन रॉड का एक जो एंड होता है प्रेसेस अगेंस्ट द टॉप ऑफ द कॉन्टेक्ट एडजस्टिंग स्क्रू, वो एडजस्टिंग स्क्रू से प्रेस किया जाता है। व्हेन द स्विच इज प्रेस्ड, जब हम स्विच को प्रेस करते हैं, प्रेस ऑन यानी ऑन करते हैं यानी दबाते हैं, करंट फ्लोज, करंट बहना शुरू हो जाता है इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर। इट देन अट्रैक्ट द आयरन रॉड, ये अपनी तरफ आयरन रॉड को अट्रैक्ट करते हैं टूवर्ड्स इट सेल्फ, कॉजिंग द हैमर टू स्ट्राइक द गोंग, और इसकी वजह से क्या होता है, जो हैमर होता है वो गोंग पे स्ट्राइक करता है, यानी हैमर गोंग के ऊपर लगता है जोर से। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे द आर्मेचर लॉसेस कॉन्टेक्ट विद द स्क्रू, और इसी टाइम पर आर्मेचर भी स्क्रू से कांटेक्ट में आता है, एंड द करंट इज स्विच्ड ऑफ, और करंट स्विच ऑफ हो जाता है यानी बंद हो जाता है। दिस कॉजेज द इलेक्ट्रोमैग्नेट
टू लूजेस इज मैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट इसके बाद में क्या होता है, उसका मैग्नेटिज्म लूज हो जाता है यानी ख़त्म हो जाता है जो उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। एंड द आर्मेचर स्प्रिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन टू क्लोज द सर्किट वंस अगेन। और जो आर्मेचर है वो भी आर्मेचर स्प्रिंग भी अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर वापस आ जाता है जिससे कि सर्किट में से करंट बंद हो सके। करंट फ्लोज अगेन, करंट फिर वापस से शुरू होता है और फिर ये साइकिल रिपीट होती चली जाती है जैसे ही स्विच ऑन ऑफ होता रहता है। ओके, तो इसके बारे में हमने समझ लिया है। और बच्चों इसी का डायग्राम ये वाला है 17.4 में, और इसे आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। और इसका डायग्राम अगर आप बनाएंगे इसी एग्जाम्पल के साथ में ये शो करके कि हम पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसके साथ में हम डायग्राम भी दे रहे हैं, तो इसके मार्क्स आपको वंडरफुल वाले मार्क्स मिलेंगे बच्चों। मैं सच कह रही हूँ, इसे ज़रूर बनाइएगा अगर आपको क्वेश्चन में नहीं भी पूछा है तो। यहाँ पर आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी ख़त्म हो गए हैं। नाउ स्टार्ट हॉट क्वेश्चंस। हॉट क्वेश्चंस में फर्स्ट आ रहा है फ्यूज वायर्स ऑफ मिनिएचर सर्किट ब्रेक्स। ब्रेकर्स आर नॉट यूज्ड इन अ सर्किट कंटेनिंग इलेक्ट्रिक सेल वायर। जो फ्यूज वायर होते हैं वो मिनिएचर सर्किट के ब्रेकर के अंदर जो होते हैं आर नॉट यूज्ड, वो किसी भी सर्किट में यूज नहीं किए जाते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिक सेल होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? MCBs are most commonly used in place of fuse. MCBs को ज़्यादातर फ्यूज़ की जगह पर ही यूज़ किया जाता है बिकॉज इट इज़ ईजियर टू टर्न ऑन एन MCB when it gets tripped। और ये क्योंकि ये इस वजह से बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है उसे वापस से चालू करना अगर कभी MCB ट्रिप हो जाती है। मतलब होता है बच्चों कि जो MCB होती है फ्यूज़ में अक्सर क्या प्रॉब्लम रहती है, उसमें वायर जल जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है एक्स्ट्रा तो उसमें वायर जल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। लेकिन MCB में क्या होता है कि कभी कभी अब मोस्टली मैक्सिमम टू मैक्सिमम घरों में हर जगह पर, कहीं शॉप है, बिल्डिंग्स है, कहीं पर भी हर जगह पर MCB ही यूज़ होती है। तो आप भी अपने घर में पूछिएगा, आपको भी पता चलेगा कि MCB है आपके घर में या फ्यूज़ यूज़ कर रहे हैं। तो MCB फ्यूज़ की जगह पर यूज़ होता है क्योंकि जब हैवी करंट अचानक से फ्लो होने लगता है सर्किट में तो वो MCB अपने आप ऑफ हो जाती है यानी ट्रिप हो जाती है। ट्रिप से मतलब होता है वो अपने आप उसका बटन डाउन आ जाता है, और जब वो डाउन आ जाता है तो पूरी करंट यानी पूरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पूरे घर की, पूरी बिल्डिंग की, हर जगह की वो अपने आप बंद हो जाती है। जब वो अपने आप बंद हो जाती है तो वो वापस से हम उसे इजीली बटन को हम ऊपर कर देंगे तो वो ऑन हो जाती है। तो यही इसका है कि ये बहुत इजीली टर्न ऑन किया जा सकता है जब वो ट्रिप हो जाती है। इन अ सर्किट वेयर इलेक्ट्रिक सेल्स आर यूज्ड। सर्किट में अगर इलेक्ट्रिक सेल यूज़ हो रहे हैं आर टू सप्लाई लो वैल्यू ऑफ वोल्टेज, जिसमें कि कम वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है कहीं पर, अगर कम वोल्टेज की ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ इलेक्ट्रिक सर्किट सॉरी सेल्स का यूज़ हो रहा है। और करंट वोल्टेज या करंट एक ही बात हो गए। नो फ्यूजेस आर रिक्वायर्ड, वहाँ पर किसी भी तरीके के फ्यूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है बिकॉज देर इज़ वेरी लिटिल रिस्क ऑफ शॉर्ट सर्किट। क्योंकि जब वोल्टेज करंट ही बहुत कम होगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पहुंचने की तो बिल्कुल ही चांसेस कम है, तो कोई किसी भी तरीके का रिस्क नहीं है शॉर्ट सर्किट का। टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट, तो किसी भी तरीके की एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए दीज फ्यूजेस आर यूज्ड, तो इन्हीं फ्यूजेस को यूज़ किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा या सुना होगा पेपर में, न्यूज़ में, या आप अपने पेरेंट्स के थ्रू या किसी और के थ्रू भी कि बिल्डिंग में आग लग गई, अचानक से आग लग गई, तो कभी कोई बोलता है शॉर्ट सर्किट हुआ है। शॉर्ट सर्किट का मतलब वही होता है बच्चों कि अचानक से करंट बहुत तेज़ी से फ्लो हो गया और उसमें से चिंगारी निकली, आग लग गई, कुछ भी हो, तो वहाँ पर एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से मतलब
यही है कि आग लगना या घर में हम अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं तो वो ख़राब ना होना, कि जितने भी अप्लायंसेस उस टाइम चल रहे होते हैं कहीं पर भी वो सारे एक साथ ख़राब हो सकते हैं। दीज फ्यूजेस आर यूज्ड इन सर्किट्स, तो ये सारे फ्यूज़ सर्किट में यूज़ किए जाते हैं। वेयर हाई वोल्टेजेस एंड करंट्स आर डिलीवर्ड, जहाँ पे हाई वोल्टेज और करंट्स यूज़ में आता है या निकलता है। सेकेंड क्वेश्चन, कैन यू यूज़ अ कॉपर वायर टू मेक द फिलामेंट, क्या आप किसी भी फिलामेंट में कॉपर वायर को यूज़ कर सकते हैं ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में। अगेन रिपीटिंग क्वेश्चन, किसी भी इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट जो होता है उसमें कॉपर वायर का यूज़ किया जा सकता है और क्यों नहीं या क्यों हाँ। तो फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ कंडक्टर्स, जो फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का वो कंडक्टर से बना हुआ होता है दैट ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक करंट, जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को पहुंचाता है। कॉपर वायर कैन नॉट बी यूज्ड इन फिलामेंट्स, कॉपर वायर को कभी भी फिलामेंट्स में यूज़ नहीं किया जाता है बिकॉज इट ऑफर्स वेरी लिटिल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा करंट फ्लो नहीं करता है या बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं ऑफर करता है। टंगस्टन इज यूज्ड फॉर मेकिंग द फिलामेंट्स, टंगस्टन बहुत तेज़ एनर्जी अपनी तरफ लेता है जिसकी वजह से वो बहुत तेज़ी से हीट अप हो जाता है, तो इसीलिए किसी भी फिलामेंट में टंगस्टन का ही यूज़ किया जाता है एज इट ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है यानी बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी ऑफर करता है। बच्चों आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन आंसर्स का क्लास 7 का पूरा फिनिश हो चुका है लेसन, और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो कुछ हद तक तो आप 6th क्लास की मेरी वीडियो देखेंगे तो वो बेसिक है, बेसिक में आपको ज़्यादा समझ आएगा, और फिर आप 7th क्लास का लेंगे तो बहुत इजीली समझ आ पाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं पूरी पूरा कोशिश करूँगी कि आपके आंसर्स दे पाऊँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मेरा मेरा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी हाई होता है। दूसरा, जो बहुत नीडी बच्चे हैं जिन तक बहुत सारी चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं उनकी हम हेल्प कर पाएंगे, उन तक बहुत ज़्यादा पहुँच पाएंगी ये वीडियोस। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है, रिलेटिव्स हैं, सब में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सर्कुलेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये वीडियोस पहुंच पाएँ और उन्हें हेल्प मिल पाए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टिल देन बाय बाय।